प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों आज आपके सब ग्रुप का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम आपके सब ग्रुप से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो मैंने कहा था आपको एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2.3 और एक और थ्योरम 2.4 को डिस्कस करेंगे। यानी बच्चों अब आप समझ चुके होंगे जो हमारा आज का लेक्चर का मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको थ्योरम नंबर 2.3 और 2.4 बढ़िया तरीके से समझ आ जाए। तो ये बच्चों स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 2.3। ये कह रहे हैं कि किसी ग्रुप जी का कोई अरिक्त परिमित उपसमुच्चय एच, जी कोई ग्रुप है, एच जी का परिमित उपसमुच्चय है। यहाँ पे परिमित वर्ड पे थोड़ा सा फोकस हमें करना जरूरी है, क्योंकि यदि परिमित नहीं होता तो ये थ्योरम प्रूव नहीं हो पाती। यहाँ पे बच्चों एक एक वर्ड की इंपॉर्टेंस है। आप कहोगे सर परिमित की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों? भाई माइंड में एक सवाल तो बच्चों एराइज हो जाना चाहिए, भाई जो परिमित है उसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों ले रहा हूँ मैं इस थ्योरम के लिए? परिमित वर्ड के ऊपर ही इस थ्योरम का मेन पोर्शन बेस्ड रहेगा, क्योंकि यदि परिमित वर्ड यहाँ से हटा दूँ तो ये थ्योरम प्रूव नहीं कर सकता मैं, क्योंकि परिमित होना क्यों जरूरी है उसके लिए समझना है। देखो तो ये कह रहा है कि परिमित उपसमुच्चय एच है, तो एच ये कह रहे हैं सब ग्रुप होगा। एच बच्चों सब ग्रुप होगा कब? यहाँ पे रिवर्स इंप्लाइज का साइन लगा दिया मैंने। एच क्या होगा आपका सब ग्रुप होगा कब? यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ ऐसा कि यदि ए बिलोंग एच हो बी बिलोंग एच हो तो उसके कोरिस्पोंडिंग ए बी भी यदि एच से बिलोंग करे। आप कहोगे सर ये तो हमारा पढ़ा हुआ है, लेकिन ये वो पीछे वाली बात नहीं है। ये आपको सर ए बी बिलोंग एच से क्या सारी चीज़ें प्रूव हो जाएगी? ये तो सिर्फ एक ही बात है, क्योंकि जब मैंने आपको सब ग्रुप के बच्चों डेफिनेशन बताई थी, एक बार उसके ऊपर आओ। आपके माइंड में शायद ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर जब आपने सब ग्रुप की डेफिनेशन बताई तो आपने कहा था ए बिलोंग एच बी बिलोंग एच ए बी बिलोंग एच। इसके अलावा मैंने एक बात और लिखाई थी कि जो एच है वो जी की प्रेरित संक्रियाओं के लिए ग्रुप हो, लेकिन सिर्फ एक बात होने पर आप ग्रुप किससे बोल सकते हो। लेकिन आपने वहाँ पे एक बात को यदि नोटिस किया हो तो वहाँ पे मैंने परिमित वर्ड नहीं लिखा था, वहाँ पे मैंने परिमित वर्ड को लिखा था क्या? ये देखो आप परिमित वर्ड को तो यूज नहीं किया ना। हाँ तो यदि परिमित वर्ड लग जाता है तब सिर्फ एक रूल ही काफ़ी हो जाता है। अब वो एक रूल क्यों काफ़ी हो गया ये सारी सोचने वाली बात है। तो ये जैसे प्रूव करेंगे तो आपको ये बातें सारी समझ आ जाएगी। तो देखो प्रूफ बच्चों ये इसका इंपॉर्टेंट है, मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोल चुका हूँ कि थ्योरम नंबर 2.2 और 2.3 आपके एग्जाम के लिए ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंस है सब ग्रुप के केस में, क्योंकि इन दोनों में से कोई ना कोई एक पूछी जाती है और उसके साथ 6-8 नंबर की पूछी जाती है। ये नहीं कोई एक दो नंबर की कोई डेफिनेशन है। हाँ बाकी बच्चों कई बार क्या होता है कि ये रूल्स भी बन जाते हैं। थ्योरम याद रखना एक तरीके से रूल होते हैं जो कहीं भी अप्लाई हो सकते हैं, डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो देखो सबसे पहले मैं मानता हूँ, पहले माना एच सब ग्रुप है, मान लिया मैंने एच क्या है सब ग्रुप है, देन फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग एच होने पर ए बी इज बिलोंग फ्रॉम एच हो जाएगा। पहला रूल तो डायरेक्टली प्रूव हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, या दिक्कत वाली बात है बताओ? पहला रूल तो बच्चों डायरेक्टली प्रूव हो जाएगा ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हाँ दिक्कत वाली बात अब है ये कन्वर्जली प्रूव करना है, तो वो समझिएगा। कन्वर्जली इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी, किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा वो सोचो। तो पीछे वाली यदि थ्योरम याद होगी 2.2, उसी के कॉन्सेप्ट का यूज करूँगा, ठीक है? तो बच्चों 2.2 के कॉन्सेप्ट का यूज करूँगा। देखो देखो ये हमें दिया हुआ है कि ए बिलोंग एच बी बिलोंग एच देन ए बी बिलोंग फ्रॉम एच। अब आप देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ए बिलोंग एच यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर बिलोंग फ्रॉम एच, ठीक है? फिर मैं दोबारा क्या लिखूँगा, ए बिलोंग एच ए स्क्वायर बिलोंग एच, तो क्या लिखूँगा ए स्क्वायर बिलोंग एच ए क्यूब बिलोंग एच।
इस तरीके से जब मैं चलता रहूँगा तो a की पावर n माइनस वन बिलोंग एच आ जाएगा, a बिलोंग एच आ जाएगा, तो वहाँ से a की पावर n भी बिलोंग एच आ जाएगा। और आगे चलता रहूँगा तो ये प्रोसेस आगे चलती रहेगी या नहीं चलती रहेगी, सिर्फ इतना बताओ। एक बार इस लाइन को देखो आप, भाई ऐसे मैं करता हुआ a की कितनी पावर तक जा सकता हूँ, पहले ये बताओ मेरे को आप, आराम से सोचो फिर इसका जवाब दो। कि मैं यदि a को इस तरीके से a के साथ ही ऑपरेट करता जा रहा हूँ इस रूल के थ्रू, तो a और a ए स्क्वायर बनाएगा, फिर a को a स्क्वायर के साथ ऑपरेट करूँगा a क्यूब बनाएगा। इस तरीके से आप ये बताओ मैं a की कितनी पावर बना सकता हूँ, कोई अंत है कि मैं इस तरीके से आगे कितनी भी पावर बनाता रहूँगा। लेकिन अब जो मेन बात आती है वो ये कि ये वर्ड पे फोकस कीजिए। ऐसे में यदि मान लीजिए n की अलग अलग पावर बनाता रहता हूँ, अलग अलग a की एक दो तीन चार ऐसी कितनी भी पावर बना सकता हूँ, कोई एंड नहीं है ना, तो परिमित होने का मतलब क्या हुआ? परिमित होने का मतलब क्या हुआ कि फिर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए यदि परिमित है तो उसके अंदर n अवयव है, तो n तक तो मैं आ गया, और जब मैं अब बनाऊंगा गाते तो कहीं ना कहीं जाकर वही अवयव वापस रिपीट होने लग जाएंगे या नहीं लग जाएंगे, परिमित है तो। बात समझ आई? मैं क्या कह रहा हूँ कि इसके अंदर अवयव बन रहे हैं, अलग अलग घाते बन रही हैं, एक ही अनंत तक जा रही हैं, लेकिन अनंत तक जाने का मतलब परिमित इस पे या हुआ। परिमित होने का मतलब जैसे मानो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ बच्चों, जैसे ये एक ग्रुप लिया मैंने माइनस वन वन आइटा, आइटा की मैं जैसे एक पावर लूँगा आइटा आएगा, आइटा के दो पावर लूँगा माइनस वन आएगा, आइटा के तीन पावर लूँगा माइनस आइटा आएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस आइटा लेना था बच्चों मुझको, आइटा की फॉर फोर लूँगा तो वन आएगा। अब लेकिन देखो चूंकि ये परिमित है ना, अब मैं आइटा की और पावर लेता हूँ, आइटा की पावर पाँच लूँगा, आइटा की पावर पाँच लूँगा तो ये छः लिए तो ये सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, यानी मैं पावर तो ऐसे कहीं तक ले सकता हूँ, रिजल्ट भी इसी का रहेगा, लेकिन अवयव रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं आप ये देखो। यदि ये परिमित है तो अलग अलग पावर के लिए कोई ना कोई दो पावर ऐसी होंगी जिनके लिए वो वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, यानी वही अवयव रिपीटेशन होने लग जाएंगे फिर एक फिक्स पावर के बाद। यानी आईटेक इसके चार घाते तो चार घाते पे सारे अवयव आ गए, उसके बाद जब मैं आईटेक की अलग अलग पावर और ले रहा हूँ तो वो अवयव रिपीट हो रही है नहीं हो रही है। मेरा जो मेन उद्देश्य था आपको एग्जाम्पल वो समझ आ गया होगा। यानी जब मैं अनंत पावर को तक जाऊँगा ए की, तो हाँ पावर तक तो मैं जा सकता हूँ, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो वापस रिपीटेशन होने लग जाएगा, यानी मेरे पास फिर कोई नए एलिमेंट नहीं आएंगे, यानी यही एलिमेंट बार बार में रिपीट होके आने लग जाएंगे। तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, यानी कोई ना कोई दो आइटा की पावर ऐसी जरूर आती जाएंगी हर बार जो इक्वल हो, यानी मैं ऐसा लिख सकता हूँ। बात समझ आ गई? अब मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड कुछ ऐसा कर देता हूँ, तो ए की पावर आइटा माइनस जे इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ई क्यों हो जाएगा, क्यों हमने पढ़ा है कोई भी एलिमेंट हो उसकी पावर जीरो ई ही देगा। बस समझ आई? यानी मैंने क्या किया, दोनों तरफ ए की पावर माइनस जे को यूज किया, मैंने क्या किया दोनों तरफ है ए की पावर माइनस जे को यूज किया, ठीक है, ए की पावर माइनस जे को यूज किया, तो बच्चों जो मेरे पास रिजल्ट आया मेन इक्वल में क्या हो गया, ए की पावर जीरो, इधर हो गया आई माइनस जे, ठीक है, आई माइनस जे को मैं कोई अलग नंबर मान लेता हूँ, एम मान लूँ, ई, इसका मतलब क्या हो गया, तत्समक विद्यमान हुआ या नहीं हुआ, यानी ये कि कोई ना कोई पावर एम के लिए इक्वल होगा, इसका मतलब ये हो गया कि तत्समक विद्यमान है, तत्समक विद्यमान है। अब a की पावर m यदि आ रहा है तो a की पावर m माइनस वन भी आएगा, हाँ या ना भाई, a की पावर m मान लो 10 है m का मान, तो a की पावर 9 भी तो उसके अंदर होगा, क्लियर है, क्योंकि m जीरो नहीं है,
एम क्या है, जीरो नहीं है। जीरो नहीं है तो उसकी कोई ना कोई कम पावर तो पक्की विद्यमान होगी, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ सी से तीन है तो एक ही घात दो भी मौजूद है, एक ही घात दो तो एक ही घात एक भी मौजूद है। तो इसको मैं लिखूँगा ए एम, ए इनवर्स बिलोंग फ्रॉम एच, ए की पावर एम को मैं ई लिखूँगा, ई ए इनवर्स बिलोंग फ्रॉम एच, एंड यहाँ से आ जाएगा ए इनवर्स बिलोंग फ्रॉम एच, यानी प्रतिलोम भी विद्यमान हो गया, ठीक है, तस्मक भी विद्यमान हो गया और प्रतिलोम भी विद्यमान हो गया। तो तस्मक प्रतिलोम विद्यमान होती है, संवृत्तता है तो आपको पता है साचरिता सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, यानी एच क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। अच्छा एक बार पहले इसको मैं आपको एक दो मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आराम से इसको देखो, फिर हम क्या करते हैं इसको रिपीट करेंगे। ओके देखो, देख लिया बच्चों एक बार ध्यान से, अब रिपीट करते हैं एक बार इसको आराम से दोबारा देखो। क्वेश्चन सॉरी थ्योरम है कि जी कोई ग्रुप है और एच जी का कोई परिमित उपसमुच्चय है। परिमित उपसमुच्चय होने का मतलब एच के अंदर अवयवों की संख्या फिक्स है, यानी 5, 10, 50, 100 कितनी भी है वो तो हमें नहीं पता लेकिन फिक्स है। और एक रूल दे दिया कि भाई एच सब ग्रुप सिद्ध करो, जब ये होगा ये है तो सब ग्रुप होगा। तो बच्चों देखो पहला रूल तो हम जानते हैं कि यदि एच सब ग्रुप है तो ये रूप बात अपने आप ही लागू हो जाती है, पहला रूल प्रूव हो गया, पहले में तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन जो रूल नंबर टू है वो देखो, हमें ये दिया है कि ए बिलोंग एच, बी बिलोंग एच हो तो ए बी बिलोंग फ्रॉम एच, ऐसा कुछ। अब मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने क्या किया कि मैंने बी की जगह ए लिया तो मेरे पास आया ए की स्क्वेयर बिलोंग फ्रॉम एच, फिर ए और ए की स्क्वेयर को लगाया तो ए की पावर 3, ए क्यूब बिलोंग फ्रॉम एच। इस तरीके से मैं आगे चलता जाऊंगा तो ए की पावर एन बिलोंग फ्रॉम एच आएगा और आगे भी ये प्रोसेस चलती रहेगी। अब मैं मान के चलता हूँ कि बच्चों इसके अंदर एच के अंदर एन अवयव है, तो ए की पावर एन तक तो मान लो सारे एलिमेंट एक बार मान लो भी रिपीट हो गए सारे आगे। अब आगे पावर लूँगा तो इसका मतलब चूंकि इस परिमित है इसका मतलब ये नहीं हो गया, क्योंकि आगे मैं जितने भी पावर लूँगा उन सब के लिए भी वही अवयव जो अभी तक आए हैं वो रिपीट होने लग जाएंगे या नहीं होने लग जाएंगे। ये जो अवयव मैंने अभी तक लिए हैं वो सारे के सारे बच्चों रिपीट होने लग जाएंगे या नहीं लग जाएंगे, ये रिपीट होने लग जाएंगे ना। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने ये मान लिया कि ए की कोई ना कोई दो पावर इक्वल आएगी, भी कोई ना कोई दो पावर हो सकता है और भी पावर इक्वल आएंगे, लेकिन मैं एक बार सिर्फ जो सिद्ध करना है उसके लिए दो पावर से कम चल जाएगा, कोई ना कोई दो पावर इक्वल होगी क्योंकि जब वो रिपीट हो रहे हैं आई और जे, माइनस जे दोनों उस तरफ लगाओ तो ए की पावर आई माइनस जे इक्वल टू बन जाएगा ए की पावर जीरो। और बच्चों हम जानते हैं ए की पावर जीरो हमेशा तत्समक होता है, ए की पावर जीरो हमेशा क्या होता है तत्समक। क्यों होगा ई के इक्वल, क्योंकि आपके दिमाग में एक बात आएगा सर ए की पावर जीरो ई के इक्वल क्यों होगा, तो आप खुद देखो कि ए एच से बिलोंग कर रहा है और एच जी का सबसेट है, एच क्या है जी का सबसेट है, यानी ए जो है वो जी के अंदर भी बिलोंग तो कर रहे हैं और जी तो ग्रुप है, तो ए की पावर जीरो ई के इक्वल पक्का होगा। यानी आई माइनस जे को कोई नंबर एम मान लो, ये क्या हो गया ई के इक्वल हो गया, यानी तत्समक विद्यमान हो गया, क्योंकि ए की पावर एम एच के अंदर है और ये ई के इक्वल है तो तत्समक विद्यमान हो गया, पहली बात कंप्लीट। इसके बाद ए की पावर एम है तो ए की पावर एम माइनस वन भी इसके अंदर होगा, इसको लिखा ए की पावर एम ए इनवर्स, ए की पावर एम को मैंने क्या लिखा ई, ई ए इनवर्स बिलोंग फ्रॉम एच, यानी ए इनवर्स भी बिलोंग फ्रॉम एच, यानी प्रतिलोम विद्यमान है तत्समक विद्यमान है, संवृत्तता दी हुई है, साचरिता सिद्ध करनी नहीं होती, चारों बातें लागू होगी। इसका मतलब एच अपने आप में बच्चों क्या हो जाएगा एक सब ग्रुप हो जाएगा, एच क्या हो जाएगा सब ग्रुप। बात माइंड में आ गई, कोई डाउट नहीं है ना। तो चलिए फिर एक थ्योरम और करते हैं 2.4, ठीक है बच्चों।
थ्योरम नंबर 2.11 सिद्ध करना है कि किसी ग्रुप जी के दो उपसमूहों का सर्वनिष्ठ भी जी का उपसमूह होता है। सिंपल सी थ्योरम है, ज़्यादा टफ नहीं है। ये कह रहा है कि जी तो कोई ग्रुप है और H1 और H2 जी के कोई दो सब ग्रुप है। देखो दो बातें और दे दी। ये कह रहा है कि जी तो कोई ग्रुप है और H1 H2 जी के कैद कोई दो सब ग्रुप है। आगे और देखते हैं, हमें प्रूव करना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 भी जी का एक सब ग्रुप होगा। हमें क्या प्रूव करना है बच्चों, कि H1 इंटरसेक्शन H2 भी जी का कोई एक सब ग्रुप होगा। ये हमें सिद्ध करना है। इंटरसेक्शन का मतलब जानते हो, कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, यानी उन एलिमेंट का सेट जो H1 में भी है और H2 में भी है, ठीक है। तो जो थ्योरम नंबर 2.2 मैंने आपको, देखो यदि याद हो मैंने 2.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम क्यों कही थी, भाई 2.2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2.3 की तुलना में। कि देखो बच्चों क्या क्या चीज़ें, मुझे सब ग्रुप प्रूव करने के लिए मैं स्वयंवृत्तता, साचर्य, जो साचर्य तो बहुत कम प्रूव करते हैं, इसको छोड़ो, तत्समक और प्रतिलोम, ये इतनी बातें सिद्ध करूँ तो वो सब ग्रुप बनेगा। इससे अच्छा मैं ये सिद्ध कर दूँ ना कि ए बी अगर उसके अंदर आ रहे हो तो ए बी इनवर्स भी उसके अंदर होगा। ये सब ग्रुप यदि ऐसा हो जाए तो वो सब ग्रुप नहीं हो जाता क्या। तो अब बच्चों आपके माइंड में एक बात फिक्स बैठा लो कि जब भी आपको सब ग्रुप प्रूव करना होगा किसी सेट को, तो हम थ्योरम नंबर 2.2 को लेकर चलेंगे। हम ये दिखाएंगे कि ए बी उसी के अंदर है, बी बी उसी के अंदर है, तो ए बी इनवर्स भी उसी के अंदर होगा। अगर ऐसा होता है तो वो क्या हो जाएगा अपने आप ही सब ग्रुप। तो देखो माना, इसका प्रूफ देखिए, माना ए कोमा बी बिलोंग फ्रॉम H1 इंटरसेक्शन H2। ये कोमा है, A1 नहीं है बच्चों, ठीक है, कोमा है, ओके। मैंने मान लिया A और B H1 इंटरसेक्शन H2 के अंदर बिलोंग करें। मुझे सिद्ध करना है ए बी इनवर्स। तो देखो इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कॉमन, कॉमन होने का मतलब ये हो गया कि ए बी H1 के अंदर भी आएंगे और ए कोमा बी H2 के अंदर भी आएंगे। ये मतलब होगा या नहीं होगा, एक इंटरसेक्शन है, कॉमन है, दोनों में होंगे। अब चूंकि मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 क्या है, सब ग्रुप है, तो जो ए बी इनवर्स है वो H1 में होगा। यहाँ पे लिखता हूँ H2 भी सब ग्रुप है, इसका मतलब ए बी इनवर्स बिलोंग फ्रॉम H2 होगा। बस समझ आई, मैं क्या कह रहा हूँ कि ए बी जो है ए कोमा बी H1 में भी है और ए कोमा बी H2 में भी है, तो दोनों सब ग्रुप है, तो ए बी इनवर्स H1 में भी होगा और ए बी इनवर्स H2 में भी होगा। अब यदि इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लूँ और इसको मान लूँ समीकरण नंबर 2, तो ध्यान से देखो तो ए बी इनवर्स आपको H1 के अंदर भी दिखाई दे रहा है और ए बी इनवर्स आपको H2 के अंदर भी दिखाई दे रहे हैं। भाई दोनों में दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे, इसका मतलब क्या हो गया, फ्रॉम 1 एंड 2 ए बी इनवर्स बिलोंग फ्रॉम H1 इंटरसेक्शन H2, जहाँ क्या है ए बिलोंग, ए कोमा बी दोनों किससे बिलोंग कर रही हैं, H1 इंटरसेक्शन H2 से। तो यदि ऐसा हो जाए कि ए किसी सेट में हो, बी किसी सेट में हो और ए बी इनवर्स भी उसी सेट में हो, तो वो सब ग्रुप होता या नहीं होता। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो H1 इंटरसेक्शन H2 है वो बच्चों आपका क्या हो गया, सब ग्रुप प्रूव है या नहीं हुआ। देख लीजिए आराम से, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, भी A और B मैंने H1 इंटरसेक्शन H2 में मान लिए। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, यानी दोनों के अंदर मौजूद है। इसका मतलब ये हो गया जो A है आपका वो भी H1 H2 में है और B है वो भी आपका H1 H2 में, ठीक है, दोनों बातें लिख दी। अब चूंकि H1 सब ग्रुप है तो ए बी इनवर्स H1 में होगा, H2 सब ग्रुप है तो ए बी इनवर्स H2 में भी होगा। बस समझ आ गई कि दोनों सब ग्रुप है तो उनके अंदर ये विद्यमान होंगे। फिर आप क्या लिखोगे, एक और दो को
कॉमन लोगे भी एच वन में भी आ रहे हैं, एच टू में भी आ रहे हैं, तो इनके इंटरसेक्शन में भी तो होगा ना, कॉमन है। तो यदि ए बी इनवर्स एच वन इंटरसेक्शन एच टू में हो गया तो ये अपने आप बच्चों क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो बताइए, थ्योरम समझ आ गई होगी? हम तो इसकी एक थ्योरम है जो आप ट्राई करोगे, नहीं आती तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में जरूर डिस्कस करूँगा। हाँ, लेकिन एक बात यदि आप समझ जाओ कि जब आप कोई भी क्वेश्चन करो, कोई भी थ्योरम करो जिसमें आपको सब ग्रुप का जिक्र हो, यानी ये सिद्ध करना हो, ये प्रूव करना हो कि वो सब ग्रुप है, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम एक ही रहेगा, आप क्या करोगे उसके अंदर के दो एलिमेंट लोगे, एक को ए मानो, एक को बी मानो, ठीक है, और ये दिखा दो कि ए बी इनवर्स भी उसी के अंदर है। यदि इतना प्रूव कर देते हैं तो बच्चों क्लियरली वो प्रूव हो जाएगा कि वो सेट क्या है, एक सब ग्रुप है। याद रखना, जब भी किसी को सब ग्रुप सिद्ध करना हो, हम क्या सिद्ध करेंगे, उसके अंदर के दो एलिमेंट लेंगे, एक को ए मानेंगे, एक को बी मानेंगे, और ये दिखाएंगे कि ए बी इनवर्स भी उसी के अंदर है। ऐसा प्रूव करते ही वो क्या हो जाएगा बच्चों, सब ग्रुप। क्लियर हो गया? तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।